बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज्जत में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत, जहां हम आपको बताते हैं खाने, नए सिर्फ खाने नहीं, वो रिवायती खाने जिनको आप बआसानी घर में अपने किचन में बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क या इलाका होगा कि जहां पे अगर कोई तकरीबात प्लान हो रही हो तो खाने को इम्पोर्टेंस ना दी जाए। और वैसे भी अगर हम कराची वालों की बात की जाए या हम पाकिस्तानियों की बात की जाए तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस खाने को ही दी जाती है, क्योंकि हमारे खाने होते ही इतने मज़े के हैं। अगर हमारा दिल करता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ के कुछ बातें कर लें तो हम लंच या डिनर प्लान कर लेते हैं। हम आउटिंग पे कहीं चले जाते हैं, वन डिश कर लेते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, हत्ता कि कुछ भी करते हैं। खाने में क्या है, ये सवाल बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ ही आज हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और हमारी जो शेफ़ हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, जिनको हमने यहाँ इनवाइट किया है, उनको यहाँ बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाकर हमें खिलाने वाली हैं। जी जनाब, तो शो का आगाज़ करते हैं। और आज की हमारी जो टैलेंटेड एक्सपर्ट हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, नाहिद जी। नाहिद, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। जी, मेरे मामा और हम जो है पठान हैं, मेरे पापा। और जो है मतलब आप एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं। पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप आज हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं। जी, आज मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ। पालक पनीर? जी, पालक पनीर बनाने वाली हूँ। और मेरी जो मॉम है, लाइक मेरी पप्पो और मेरी दादू, मतलब बनाया करती थी और हमें दिया करती थी कि ये खाएं आप ना, कि ये बड़ा मतलब आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी है और इसे आप खाएंगे। हेल्दी क्यों है? हेल्दी क्योंकि पालक से जो है हम काफ़ी कैल्शियम, मतलब हमारा रिसोर्स होता है, आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हम पालक का यूज़ करते हैं। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो ख़वातीन है उनमें आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइक किड्स नहीं खा रहे होते हैं तो मामा हमें स्पाइसेस इसमें ऐड करके स्पेनिश को मतलब एक न्यू मतलब क्रिएट करके मतलब दिया करती थी। आपको जब बचपन में बना के अम्मी दिया करती थी तो आप उसको, बच्चे तो नहीं खाते होंगे वैसे ही, बहुत दूर खाते या मामा इसके अंदर चीज ऐड किया करती थी और कहा करती थी कि ये खाएं, मतलब ये हमारी रिवायती डिश है या कुछ भी। जब स्पाइसेस इसमें आते थे ना तो ऑसम, और उसका टेस्ट और पनीर जब इसमें ऐड करते हैं के मतलब आसानी से एंजॉय करते हैं और बच्चे जो नहीं खा सकते वो भी खा लेते हैं। ठीक है, तो नाहिद अपने शो का आगाज करते हैं और मुझे बताएं कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। तो जी, सबसे पहले हमारे जो स्पाइसेस हैं हमारे सब रेडी हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे सब हैं, तो अब हम शुरू करते हैं, फिर इंग्रेडिएंट्स हम जो डालते जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप आ जाए स्टोव की तरफ, ऑन कर दूँ मैं आपको। जी नहीं, तो मुझे बताएं कि सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। या जी, हमने इसमें ऑयल ऐड करना है आपके लिए। ऑयल कितना ऐड करेंगे? ऑयल हमने इसमें 1 कप ऐड करना है। ठीक है, ऑयल वहाँ रखा है, दे दूँ मैं आपको। ये ऑयल है, इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। तो नाहिद मुझे ये बताएं कि पालक है वो इसमें ना कहा जाता है कि जिनको किडनीज का प्रॉब्लम है वो यूज़ उनको नहीं करनी नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए। लाइक टोमेटोस भी मतलब सम टाइम्स हम मना कर देते हैं डॉक्टर्स, तो वो यूज़ ना करें। तो मतलब जो भी मतलब रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, आप जैसे लाइक वीक में ले लेते हैं या मंथ में ले लेते हैं तो उसमें आई थिंक नो इशू। लेकिन किडनीज का प्रॉब्लम होता है तो नहीं यूज़ करनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए डॉक्टर। अवॉइड करना चाहिए, बट समटाइम्स डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि मतलब आप वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करें, और मतलब हमें समटाइम्स ये इशू भी हो रहा होता है कि जैसे डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में हमने अंडा नहीं लेना है, बट समटाइम्स डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि लें आप जल्दी के साथ लें, लेकिन आप जो है उसके बाद लाइक आप जैसे वॉक कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो ये तमाम चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना, क्योंकि हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि पालक क्यों लेना ज़रूरी है, और अगर वो लोग जिनको किडनीज़ का प्रॉब्लम है डॉक्टर की तरफ से मना है तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर आयरन के लिए हम दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कलेजी का यूज़ कर सकते हैं, एप्पल में बहुत ज़्यादा आयरन कर सकते हैं, लाइक चीज़ है हमारा। ठीक है, तो आपने क्या किया इसमें? जी, मैंने इसमें ऑयल लिया, अब हमने इसमें अनियन ऐड कर दिया है, प्याज हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने अनियन कितनी ली है? हमने एक ली है, एक मीडियम साइज़। ठीक है, उसको आपने चॉप कर लिया है? जी, हमने इसे चॉप कर लेना है और फाइन चॉप कर लेना है, और हमने इसको जो है अब गोल्डन ब्राउन करना है।
ठीक है, तो नाहिद मुझे बताएं कि आपने जो खाना है वो अपनी मम्मी से बनाना सीखा? या मम्मा बना रही होती थी समटाइम्स, दादो पप्पा बना रही होती थी, तो मतलब देखती थी कि अरे ये लोग खाना बना रहे होते हैं, ये बड़ा मज़े का। फर्स्ट मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया तो मतलब बहुत अजीब सा बना, लेकिन फिर जब मुझे शौक था तो मैंने सब मतलब अगेन मतलब ट्राई किया तो सबको पसंद आया। मान ली बार बार ट्राई करना, अगर खाना अच्छा नहीं बनता तो बन जाएगा, सीखते सीखते टाइम लग जाता है। तो उसके बाद अब ऐसा कुछ होता है कि अम्मी कहती हैं कि भाई इसमें ये कम है और ये क्यों ज़्यादा? नहीं, मम्मा तो अब ये कहती हैं कि आप तो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, अब आप ये बनाएं। अच्छा, जब भी कोई मतलब क्वेश्चन होता है तो फिर उस पे ना मम्मा हमें खड़ा कर देती हैं कि चलो कि आप जाएं और ये बनाएं। ठीक है, तो फिर आप अकेली बना लेती हैं? जी या ठीक है, ज़बरदस्त है। तो देखें स्टार्ट में ये होता है, और आप वैसे भी कोई काम कोई भी चीज़ जब सीखना स्टार्ट करते हो तो शुरू में प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और ट्राई करते रहना चाहिए। तो फिर देखें एक दिन ये नाहिद जो है वो आपकी अपनी अम्मी से ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हैं। सो प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख दिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, गोल्डन ब्राउन हम प्याज करेंगे। सो अब इसके अंदर हम जो है ना ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा और इसके लिए हमें एक स्पून चाहिए। ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको। अच्छा, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लिया। प्याज को हमने कितनी देर के लिए इसको रखा था ऑयल में? प्याज को सिर्फ 2 या 2-3 मिनट्स तक के लिए बस हमने इसको सॉफ्ट करना है और लाइट लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, हमने ज़्यादा इसको पकाना नहीं, ज़्यादा तो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पकाना नहीं, और वैसे भी इसको जब ना चॉप कर लेते हैं ना, फाइन चॉप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है। ये हम क्या ऐड कर रहे हैं? अब हम इसमें अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसे चॉप भी कर सकते हैं, हम इसका पेस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है जैसे मॉम्स जो होती हैं वो अक्सर जो है ना सिल और पट्टे पे मतलब वो काम किया उसकी जो खुशबू है ना मतलब फ्रेश, उससे आपने पील किया और सिलपट्टे वाला जो यूज़ किया। आप नहीं सिलपट्टे पे करती हैं? नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मतलब काम होता है तो मम्मा कहती हैं आप ये कर लें, और समटाइम्स मम्मा मुझे करके दे देती हैं कि आप तमाम मम्मा काम करके दे दें, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो मम्मा मुझे करके देती हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है बस मैं आ रही हूँ, बस आपको मुझे छटपट पकाना है। अच्छा, तो वो जो रिवायात है ना जिनकी हम बात करते हैं और हम अपने प्रोग्राम में जिसका जिक्र करते हैं और आपको यही बताते हैं कि उन रिवायती खानों में जो लज्जत हुआ करती थी और अब चूंकि नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो इसकी एक वजह ये भी है कि हम ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिजर्व कर लेते हैं तो टेस्ट उसमें से चला जाता है बस सिर्फ अपनी सहूलत या आसानी के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्याज आपने प्याज ऐड की थी, ज़ीरा ऐड किया था, और अभी हम बात करें तो आपने क्या इसमें टोमेटो ऐड किया? टोमेटो ऐड किया हमने इसमें, हम इसे कवर कर देंगे, कितने टोमेटो सॉफ्ट हो जाएगा। हमने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज यूज़ करने हैं। 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज ऐड कर दिए हैं, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये टोमेटोज इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिवायतों की लज्जत में एक बार फिर से आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद है नाहिद। ब्रेक में जाने से पहले नाहिद, हमने इसमें टोमेटोज ऐड किए थे और इनको हमने कवर करके छोड़ दिया था, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? टोमेटोज हो गए, आपने दिखाएं, हम इसे चेक करेंगे। वाओ जबरदस्त, टोमेटोज हो गए हैं, सॉफ्ट करने के लिए हमने छोड़ दिया था। 2 से 3 मिनट तक छोड़ना है ना इसको? जी, 2 से 3 मिनट तक हमें छोड़ना है इसे। ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आपने इसमें पानी भी ऐड किया था ब्रेक में? हाँ, या अगर सॉफ्ट ना हो तो आप कह रहे हैं ना, अदरवाइज ब्रेक में अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारे नाजरीन हैं उनको घर पर भी तो ट्राई करनी है। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि जो टोमेटोज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और फिर नज़र ना आए ना। या नज़र ना आए, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छे से मतलब जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये आराम से जो है पालक के अंदर आराम से मतलब स्पाइस जो है हल हो जाएंगे और इसका मसाला बन जाएगा, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मतलब ग्रीन चिली चाहिए? ग्रीन चिलीज, ओके। ये ग्रीन चिलीज आपने कितनी ली है? अगर 2 से 3-4 मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर बड़ी है तो यू नो आपको पता है ज़्यादा हो जाती है, अगर छोटी है तो फिर आप 6-7 मिनट। इसके बाद फिर एज़ पर नीड अगर आप चाहें मतलब अगर स्पाइसेस आप ज़्यादा
फ्लेवर ना ही जो छोटी मिर्चें होती हैं वो ना तीखी होती हैं और जो बड़ी वाली होती हैं कढ़ाई मिर्च जिसको कहते हैं तो वो आप कह रही हैं कि हम ज्यादा ऐड करेंगे लेकिन वो तीखी कम होती हैं तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं लाइक सम टाइम्स है ना अगर हम कुछ कर रहे होते ना तो घबरा जाते हैं कि ये इतनी बड़ी मिर्च है तो बहुत ज्यादा हो जाएगी कटने के बाद, तो उस वजह इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर वो है तो फिर आप उसमें मतलब ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है घर में हम उसको ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि बाहर से कुछ मंगवाना है स्पेशली और फिर ही ये डिश बन सकती है। हमारी जो डिशेस होती हैं वो होती ऐसी हैं कि नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास घर में मौजूद होते हैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छी से अच्छी रेसिपी बताना, बनाना और सिखाना, यही तो काम है हमारा। अच्छा अब हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। पालक अच्छा, हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पालक लेना था, इसकी हमने जो है डंडियाँ रिमूव करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे ब्लांच करना है। जब आप बॉइलिंग वाटर लेंगे तो उसका टेम्परेचर आपने ज़्यादा नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पालक को मतलब वन बॉइल करना है, ब्लांच करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसका कलर लाइक ये है कि पानी जो है उसको हम स्टोव पे रखेंगे, थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो उसमें ऐड कर देंगे पालक और पहला जो बॉयल आता है उसमें उससे फौरन से उसको पालक को निकाल लेना है, ड्रेन आउट कर लेंगे, क्योंकि इसका जो कलर आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर है, ये कलर बिल्कुल भी नहीं डल होना चाहिए, ऐसे ग्रीन रहना चाहिए। और भी है, अगर आप इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं हाफ टी स्पून तो उसमें कलर लॉक हो जाएगा। अच्छा तो ये हमने सॉल्ट कब ऐड करना है? हाँ जब आप ड्रेन आउट करने जाएंगे तो उससे पहले आपने सॉल्ट ऐड करना है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको सिलबट्टे पे हम मसालों के साथ इसको कर लेंगे, कूट लेंगे। हाँ मसालों के तो मसालों का टेस्ट भी आ जाएगा जी। अब हम क्या ऐड करने वाले हैं इसमें? अब हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड किया है। और जीरे को हमने आपने बताया अच्छा, था जीरे को हमने क्या किया था, जीरे को हमने लेना है, इसे रोस्ट करना है, रोस्ट करने के बाद हमें पीस लेना है। अगर आप चाहें तो इससे पहले हमने मसाला जो हमने अपना भुना था फ्राई किया था, आप चाहें तो उसमें जो है जीरा आप पीस के रख ले, उसमें भी मतलब आप कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो है सीक्रेट है स्पाइसेस का, अगर आप रोस्ट करके रख लें तो उससे खुशबू। हाँ ये तो रवायती खानों की जो मेन टिप होती है ना वो है ही ये कि आप इनको रोस्ट कर लें और फिर उसको चॉप कर लें, या मोटा मोटा कूटना है या इसका पाउडर बनाना है वो करके अपने पास रख लें, तो इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का होता है। अब क्या ऐड करने वाले हैं? जी हमने इसमें कुटी मिर्च ऐड की है, अब आप मुझे ये मेथी दीजिएगा। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च कितनी ऐड की है आपने? 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये कसूरी मेथी है? जी कसूरी मेथी है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर आपने सोया यूज़ करना है, सोया खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। ओके, सोया भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। ये भी हमने 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। सोया का प्रॉब्लम होता है कि सोया कभी 1 से 2 टेबल स्पून नहीं अवेलेबल होता, लेकिन ये तो हर ये आप इसको आप घर के अंदर जो है सुखाने के बाद 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और फिर क्या ऐड करने वाले हैं? अच्छा जी, अब मुझे आप धनिया पाउडर दीजिएगा। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर कितना ऐड करेंगे? हाँ धनिया पाउडर भी हमारा 1 टेबल स्पून जाएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लेंगे। धनिया को भी हमने इसी तरह से भून नहीं, नहीं धनिया आप मतलब नॉर्मली जैसे होता है। ठीक है, और क्या ऐड करने वाले? अच्छा जी, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर नीड। ठीक है, सॉल्ट ऐड कर लेंगे। और कुछ रहता है? सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे जितना आपको चाहिए, हसबे ज़रूरत हसबे जायका। इसके अलावा हम कुछ ऐड करने वाले हैं? या अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन, ये बेसन रखा है और ये क्या रखा है? ये बेसन जो है ना हमने 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसे रोस्ट कर लेना है। रोस्ट कर लेना है जी। अच्छा, रोस्ट करके और फिर मैं जो है हम बेसन ऐड करेंगे। और ये आपने क्या रखा है? ये भी बेसन ही है? हाँ ये बेसन है। अच्छा, हमें ये आप, जी, कच्चा बेसन है और ये आपने रोस्ट करके रोस्ट करना है। ठीक है ना, ये तो मुझे बताएं कि बेसन ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? जी बस हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है नाजरीन, तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। इसमें ना ही बेसन ऐड करेंगे, हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आ जाएं।
रिवायतों की लज्जत में हमने एक ब्रेक लिया था और अब हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे इस किचन में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ नाहिद। ब्रेक पे जाने से पहले हम इसमें बेसन हमने क्या किया बेसन ऐड किया हमने बेसन ऐड किया था हमने इसमें और हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था। कितनी देर के लिए? सिर्फ 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट कुकिंग टाइम अपना कंटिन्यू रखेंगे ताकि बेसन का हमारा पकता रहेगा। ठीक है, ताकि वो बेसन का जो कच्चापन है नहीं, क्योंकि हम इसे रोस्ट कर चुके थे इसलिए कच्चापन नहीं था। अच्छा, रोस्ट करने का मुझे बताएं कि आपने पाउडर को किस तरह से, वो ब्राउन नहीं हो गया लाइक, उसको कितने टाइम देना पड़ता है रोस्ट करने के लिए? 5 मिनट्स, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, और एक तरफ छोड़ भी नहीं सकते उसको लाइक टोस्ट आपने मतलब करते रहना है ताकि वो ऊपर नीचे होता रहे और उसका कलर चेंज ना हो। ठीक है, तो अब हमने इसमें कुछ ऐड करना है? हाँ, अब हम इसके लास्ट इसका हमने मसाला ऐड करना है, बस हमने गरम मसाला पाउडर। हर मसाला खाने की जान, हर मसाला की जान गरम मसाला पाउडर। जी, तो कितना ऐड करने वाले हैं हम इसमें गरम मसाला? गरम मसाला इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला भी नाहिद मुझे बताएं कि क्या तैयार बाहर से ले लेना चाहिए या घर में उसको बनाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये जो है ना मेरी मम्मा घर में बनाती हैं और बहुत ख़ास मसालों से उसे रोस्ट करके और कितनी क्वांटिटी में कितना मसाला मतलब लेना है वो सब करके घर में रेडी। मम्मा तो सब कुछ कर लेती हैं, मम्मा तो सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन आप बताएं आप क्या करती हैं? गरम मसाला पाउडर आप खुद नहीं इसको बना लेती हैं? नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मतलब मम्मा प्रोवाइड कर रही होती हैं, बनी बनाई मिलती हैं। हाँ, फिर आपके बच्चों को कौन प्रोवाइड करेगा ये बताएं मुझे? नानी प्रोवाइड करेगी। हाँ, नानी प्रोवाइड करेगी। चलें, ठीक है, तो गरम मसाला पाउडर के बाद और क्या ऐड करना है इसमें? अच्छा, ये जो है हमारा अब हो गया है, अब हम इसके लिए तैयारी करेंगे इसमें तड़के के लिए। क्या करेंगे? तड़का हमने इसमें लगाना है, तड़का इसमें लगाना है। तो यहाँ पे हम रेसिपी कार्ड जो है हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं कि अगर किसी से कोई चीज़ मिस हो गई है, क्वांटिटी में कोई मसला हो गया है, तो आप जाएँ और रेसिपी कार्ड का रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाएँ। पालक पनीर अज्जा, पालक 1 किलो, प्याज 1 अदद, पिसा हुआ अदरक 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, बेसन 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 से 4 अदद, पनीर या कॉटेज चीज़ 1.5 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, तेल या घी 2 कप, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, राई दाना 1 चाय का चम्मच, गोल लाल मिर्च 5 से 6 अदद, कड़ी पत्ते 1 गट्टी, मक्खन 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, क्रीम 1 कप। तरकीब, सबसे पहले अलग पैन में पालक को ब्लांच कर लें और इसे पीस लें। अब एक अलग पैन में प्याज को हल्का फ्राई करें। अब इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करें और हल्का सा भून लें। फिर इसमें पालक शामिल करें, थोड़ा सा पकाएं। अब इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया और कसूरी मेथी शामिल करके पकाएं। अब इसमें बेसन और गरम मसाला पाउडर शामिल कर लें। अब एक पैन में पनीर को गोल्डन ब्राउन कर लें। अब पनीर को पालक में शामिल करें और चूल्हे से उतार लें। तड़के के लिए एक पैन में तेल, अब इसमें राई दाना, गोल लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ते शामिल कर लें और इसका भिगाड़ लगा दें। अगर चाहें तो ऊपर से मक्खन और मलाई भी शामिल कर लें। मज़ेदार पालक पनीर तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं नाहिद जी? अब हम इसके लास्ट जो स्टेज है हमारा है तड़का। ठीक है, तो आप जैसे इसकी खुशबू बहुत अच्छे से इनहेंस होने वाली है। बिल्कुल, और खुशबू तो वैसे अभी से ही आ रही है और एंड आई एम श्योर अगर तड़का लग जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर घी का या मक्खन का अगर आप तड़का दें तो क्या ही बात है। ठीक है, तो आपने इसमें ऑयल ऐड किया है पैन में? या 4 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ले लिया है और हम घी और मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर पसंद है और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कोलेस्ट्रॉल का या फैट्स का, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं घी और मक्खन। तो हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है। तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? हम इसमें क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा एंड आई थिंक ये कड़ी पत्ता, थोड़ा थोड़ा पता है मुझे भी, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ कुछ ना कुछ घर में मौका टाइम मिले तो। ये हमने 1 टीस्पून लेना है। ओके, ठीक है, 1 टीस्पून। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ना गोल्ड मिर्च दीजिएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये पत्ते जो ना बहुत चल जाएंगे। हाँ भाई, ये बातें बहुत ध्यान रखनी होती हैं, हमें नहीं पता होता, तो इसीलिए तो हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि वो बताएं कि कौन सी चीज़ पहले ऐड करनी है और कौन सी चीज़ बाद में। तो हमने इसमें क्या ऐड किया है?
जी हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है और इसमें गोल मिर्च है। अगर आपके घर में राई है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पालक आई थिंक हो गई है, इसको आपने कवर किया था, हटा दिया, बन गई है? नहीं नहीं, बस क्योंकि हमने इसके कुकिंग टाइम ने कंटिन्यूसली रखना है अपना, इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना क्योंकि इसका ऑलरेडी हम जो कलर जो ग्रीन ग्रीन निकल रहे हैं ना उसको ख़राब नहीं करना, क्योंकि अगर वो कलर मतलब हमारा मतलब बिल्कुल खराब हो जाएगा तो समटाइम्स हम भी या कोई भी गेस्ट आ रहा होता है यार ये क्या चीज़ है पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या है। कलर इतना चेंज, कलर हमारा बहुत ज़्यादा कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इसकी लुक्स अच्छी नहीं होगी तो हमें तो बिल्कुल दिल नहीं करेगा खाने को। सो कलर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको कवर नहीं करना है, ठीक है? तो अगर ये बन जाता है थोड़ा सा जब हमने इसमें बेसन ऐड किया था, अगर आपको लगता है कि बन गया है पक गया है तो आप इसको इसका कवर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो तड़के के लिए क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा? अच्छा, तड़का हमारा होने वाला है, ठीक है? नाहिद आप मुझे एक बात बताएं कि ये डिश जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है? ये हमारी पंजाब साइड की है। ओके। और पंजाब में मतलब बहुत हर फेस्टिवल पे मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती है इसे, और अब तो यहाँ तक कि मतलब हमारे जो कंट्रीज़ आउटसाइड कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही होती है लाइक कुकेशंस पे, तो सम टाइम्स हमें मीट में बहुत मसला होता है। अच्छा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना मतलब एक स्पेशल डिश के तौर पे ओकेशंस में सर्व की जाती हैं, ठीक है? तो ये मुझे बताएं कि मुगलाई दौर में भी बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ की तो ये जान थी वहाँ की तो रौनक थी, वहाँ का तो कोई भी दस्तरखान जब सजता था तो उसमें ये डिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। और चूंकि पंजाब से बिलोंग करती है तो पंजाबी लोग जो हैं वो थोड़े से शौकीन होते हैं मक्खन एंड घी और ये मक्खन देसी चीज़ों के, तो इसलिए वो ऑयल की जगह ये चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन हमने तो यहाँ ऑयल यूज़ किया, अगर आप भी शौकीन हैं और आपको भी अगर पसंद है तो आप तड़के में घी या मक्खन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने इसमें क्या ऐड किया है? बस हमारा भगार मतलब जो हमने तड़का मतलब रेडी कर रहे हैं ना, कर लिया रेडी। आपको इसके लिए कुछ चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम हमारा जो है स्टोव ऑन रहेगा, इसको अच्छे से हीट लग जाए और फिर ये है कि इसको तड़का, अच्छा जब तक हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, तड़का आप ऊपर से लगाएंगे और पनीर इसमें कब ऐड करेंगे हम? देखिए पनीर का ये है कि पनीर अगर आपको अवेलेबल है ईजी तो आप उसे पहले रोस्ट कर लें, लाइट गोल्डन ब्राउन करके रख लें, तो इस स्टेज पे हमने फिर पनीर ऐड करना है, फिर हमने तड़का लगाना होगा, ठीक है? तो हम पनीर इसी में ऐड करेंगे या डिश में ऐड करेंगे? नहीं हमारे पास तो कॉटेज चीज़ है तो हम कॉटेज चीज़ ऊपर से आपको दे दूँ, ठीक है? जी जनाब, तो ये कॉटेज चीज़ है हमारे पास, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ज़बरदस्त खुशबू और वो तड़के की जो आवाज़ है जब हीट हो जाता है ऑयल, बहुत ही ज़बरदस्त। ये भी ऐड करेंगे इसमें? जी ये हम जब डिश आउट कर लेंगे तो। अच्छा ठीक है, फिर ऐड करना है तो अभी हम इसको डिश आउट कर लें या बस ये हमारा डन है, हमने फ्लेम ऑफ करना है। ओके ये मुझे दे दें और आप इसमें ही इसको निकाल दें ताकि हम जल्दी से फाइनल जो इसकी लुक है वो अपने नाज़रीन को दिखा सकें। ये ले लें, ऐसे ही हो जाएगा? अम्मियों वाला भी ना थोड़ा सा टाइम है, अम्मियाँ तो आजकल इतनी एक्सपर्ट हो जाती है ना कि उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो वो तो हर चीज़ जो चीज़ अवेलेबल आसपास मौजूद हो फौरन उसमें ही काम कर लेती हैं। जी जनाब, तो ये आज की हमारी रेसिपी थी वो तैयार हो गई है और इसकी फाइनल पोजीशन आपको हम फाइनल लुक इसकी हम आपको दिखाते हैं। और इसमें हम ये क्या ऐड करने वाले हैं? कॉटेज चीज़ पनीर, क्योंकि हमें इजीली अवेलेबल थी, अवेलेबल है। तो अगर पनीर आपको नहीं मिलता है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, कॉटेज चीज़ आपके पास रखा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हम अपने नाज़रीन को दिखा देंगे, ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक। तो ये आज की जो हमारी रेसिपी है ये तैयार है, ये जल्दी से ऐड कर दें ताकि इसमें और ज़्यादा कलर आ जाए। नाहिद आज हमारे किचन में मौजूद हैं रिवायतों की लज्जत के किचन में और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की रिवायती रेसिपी आज हमने आपको बनाना सिखाई है। और जो भी है अगर बच्चे हैं घर में और अगर वो सब्जियों के शौकीन नहीं हैं तो उसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड करके आप उनमें वो शौक पैदा कर सकते हैं कि वो ग्रीन वेजेस भी खाएं। तो जी जनाब ये हमारी थी आज की डिश, हमारे पास वक्त चूँकि कम है अब वक्त ख़त्म होता है हमारे इस प्रोग्राम का, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले शो में एक नए शेफ़ के साथ एक नई रेसिपी के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।